सलामुन अलैकुम। माहे मुहर्रम का सातवां सूरज तुलू हुआ। ये वो महीना कि जिस महीने में हम अल्लाह के करीब तरीन ज़ात पाक हबीबे किबरिया के खानवादे को, उनकी अजमत को, उनकी कुर्बानी को, उनकी रब ताला से मोहब्बत, इश्क, लगन को याद करते हैं। ऐसे अनवार को याद करते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत में महव, अल्लाह के इश्क में गर्क, अल्लाह की याद में हर लम्हा उससे जुड़े रहते हैं। ऐसे अनवार के जिनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने रब ताला के साथ मुतमस्सिक रहा, उसकी याद में जागते हैं, उसकी याद में सोते हैं, उसी की याद में अपना हर कदम उठाते हैं, उसी की याद में अपनी हर बात, अपनी हर गुफ्तगु और हर अमल करते हैं। और ऐसी रोशनी पूरी कायनात में रेडिएट करते हैं कि जिससे पूरी कायनात मोहब्बत, अमन, खूबसूरती से भर जाती है। ऐसा हुस्न और जमाल जो सब कुछ लौटा देने के बाद भी नजर आए, जैसे नूरे ज़ैनब को नज़र आया। बीबी ज़ैनब अलैहि सलाम, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में गुम होकर इस तरह से कुर्बत पाई कि अपने करीब तरीन दोनों फर्जंदान की मोहब्बत को, अल्लाह की अता करदा मोहब्बतों को पसे पुश्त डालकर अपने रब ताला की मोहब्बत को बुलंद किया, अपने आप को दुनिया की मोहब्बतों से डिटैच करके अपने रब की रोशनी, उसके नूर से इस तरह से अपने आप को जोड़ा कि अपने इर्द गिर्द होने वाला तमाम वाकया, तमाम हालात, तमाम वाकयात, तमाम मुश्किलें पसे पुश्त हो गईं सिर्फ और सिर्फ उस रब के नूर की रोशनी ने इस कदर नूर भर दिया कि हर औरत और मर्द के लिए ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक जितने भी मगमूम हैं, जितने भी मुस्तरिब लोग हैं, जितने भी दिल शिकस्ता हैं, उनको नूर की रोशनी अता की, हिम्मत, हौसला, सरबुलंदी अता की। आज वो दिन कि जिस दिन हम अपनी अरवाह को ऐसी अरवाह के साथ जोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने
दश्त नवा में कुर्बानियों का आगाज किया। ऐसे अनवार जिन पर दुनिया का पानी बंद कर दिया गया, ऐसे अनवार जो साकी कौसर थे मगर उनके खानवादे को पानी ना दिया गया, मगर अल्लाह के नूर की, अल्लाह की रहमतों की, अल्लाह की इनायतों की बारिश का नूर इस तरह से उन तमाम हस्तियों पर फुहार की सूरत में पड़ा कि उनके दिल, अजसाम, ख्याल, रूह उस नूर से मुअत्तर और बेइंतहा तर हो गई। उन्होंने प्यास बुझाकर, प्यास भुलाकर अपने रब के नूर के जामों को जामे नूरे रब्बानी से अपने दिलों को सेर किया। हमें भी उन हस्तियों से अपने आप को जोड़कर उनसे उस नूर की रोशनी को लेकर जिसका सोर्स हमारा रब ताला है, उनसे सीखते हुए, समझते हुए अपने अंदर की ख्वाहिशात की प्यास को बुझाना है। प्यासे इमाम हुसैन, प्यासे अकबर व असगर, प्यासे औनो मुहम्मद, प्यासे गाजी व कासिम को याद करते हुए अपनी ख्वाहिशात की प्यास को पसे पुश्त डालना है। और जिस तरह से उन हस्तियों ने करबला के मैदान में अपने आप को अल्लाह के नूर से भरपूर किया, अपनी अरवाह को बुलंद उबाला, उड़ने के लिए तैयार किया, हमें भी उनके अरवाह से उसी ताकत, उसी कुवत को लेकर प्यासे आले मुहम्मद को अपने अजहान में रखते हुए दुनियावी ख्वाहिशात की प्यास को दूर करना है और फकत रब ताला से अपने आप को जोड़ते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतरीन रूह बनाना है, ताकि हम भी अपने अल्लाह की तरफ परवाज करने के लिए इस कदर हल्के हो जाएं, इस कदर लाइट हो जाएं, इस कदर पुरनूर हो जाएं कि हमें उड़ने से कोई ना रोक सके। जिंदगी का मकसद निजात है। आइए शहदाए करबला, सैयद शबाब अहले जन्ना इमाम हुसैन अलैहि सलाम के सफीनाए निजात में सवार होकर अपने रूह को
नूरानी करते हुए दुनिया के लगे हुए तमाम धब्बों को दूर करते हुए अपने आप को साफ व पाक करते हुए दिलों के गमों लोगों की दी हुई रंजिशों दिल में छुपाए बोक्सों की ना को दूर करते हुए तमाम काले धब्बों को साफ करते हुए फ़कत इश्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद मैं अपने आप को महव करके उस नूर की तरफ परवाज करते हैं। हम अनवारे अंबिया, हम अनवारे आयमा से मुतमस्सिक हो रहे हैं अपनी परवाज के लिए, अपनी रूह की परवाज के लिए, अपनी रूह की मेराज के लिए। या अल्लाह, हमारी अरवाह को पाक कर दीजिए, हमारे नफ्स की प्यास को प्यासे इमाम हुसैन किसत के दूर कीजिए। अब हम तमाम दुनियावी ख्वाहिशात की प्यास से अपने आप को दूर कर चुके, मुनक़ता कर चुके और अब हमें फ़कत नूरे इलाही की प्यास से अब हम सैर होते हैं तो नूरे इलाही से, रोशनी रब्बानी से और अनवारे मोहम्मद वाले मोहम्मद से। आई एम अ प्योर लाइट, पावरफुल एंड वाइज सोल।